हेलो प्लीज। तो अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोगों ने यहीं पर छोड़ा था, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज मेनली टू टाइप्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी कह सकते हैं या सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। दोज यूनिट सेल्स इन विच देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिसमें देख लीजिए कि सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और इसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो इससे पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि कॉर्नर की संख्या कितनी है, तो एट है संख्या। और यहां पर कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/8 का होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल यूनिट सेल में, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने माने जाएंगे, 1 माने जाएंगे। दिखने में अपने को यहाँ पर 8 लग रहा है लेकिन पर यूनिट सेल 1 माने जाएंगे। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड की संख्या 1, जेड की संख्या 1। अब यहाँ पर दूसरा होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब होता है कि इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज देयर बॉडी सेंटर। ये बॉडी सेंटर है और एक पार्टिकल यहां भी प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पर है और इसके अलावे बॉडी पर भी प्रेजेंट है, इसलिए इसे कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यहां पर देखिए पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम इन सभी 8 पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी तुरंत तो आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था कि टोटल 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। प्लस इसके अलावे सेंटर पर भी है, सेंटर पर एक पार्टिकल है इसलिए आपने यहां पर 1 लिखा। इनटू सेंटर पर, यानी कि बॉडी सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 का होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, आपको यहां पर ये आपने लिया 1 और 1 × 1 प्लस क्या मिला, 1। और इन दोनों को आप कैलकुलेट कर दें तो आपको क्या मिलता है, 2। यानी कि बीसीसी में जेड का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब समझ में आ गया होगा कि यही चीज यहां पर लिखा गया है, नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल 8 × 1/8 + 1 = 2। इच कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट 1/8 पोर्शन ऑफ द यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड एटम इज 1, 1 + 1 = 2। उसी तरीके से फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड का मतलब होता है कि जब पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पर हों और सभी फेसेज पर हों, जब पार्टिकल्स सभी कॉर्नर्स पर हों और सभी फेसेज पर हों। तो यहां पर आप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, सभी कॉर्नर्स पर है तो 8 × 1/8। टोटल 6 फेसेज होते हैं, क्योंकि इस बार पार्टिकल्स फेस पर है तो 6 फेसेज होते हैं इसलिए आपने यहां पर 6 लिखा। और फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1 मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिला। इन दोनों को आपस में आपने प्लस किया और यहां पर सम आपको मिलता है 4।
यानी कि कहने का मतलब हो गया कि एफसीसी में जेड का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। यहां पर देख लीजिए, जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। वही चीजें एक्सप्लेन करके यहां पर दिखाया गया है, आप कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें कि प्रिमिटिव क्यूब है, इसमें पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पर हैं और कंट्रीब्यूशन 8 का है, इसलिए यहां पर फेस में कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो यहां पर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल्स आपस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं। ये 2 डायमेंशन अरेंजमेंट हो सकता है, 1 डायमेंशन अरेंजमेंट हो सकता है और 3 डायमेंशन अरेंजमेंट। यहां पर 1 और 2 के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में लेकर के चलूंगा। यदि इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो इसे कहा जाता है 1 डायमेंशन, यानी कि एक ही लाइन में पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हाँ, यहां पर टच करने से एक बात याद आई, आपको यहां पर याद रखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, हालांकि यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन आपको सिंपल वे में याद रखना है नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स। भाई आप एक आदमी है, यह लड़का है, यह लड़की है, या कोई इंसान है, और आपके बॉडी के साथ डायरेक्ट कितने और बॉडी टच कर रहा है। यदि आपके बॉडी के साथ 4 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि आपके बॉडी के साथ टच कर रहा है। अब यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसके बारे में बात करूं, तो इसके बॉडी के साथ तो एक तो ये टच कर रहा है और दूसरा डायरेक्ट ये टच कर रहा है, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना माना जाएगा, 2, क्योंकि यहां पर 2 ही पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है इसे लीनियर अरेंजमेंट कहा जाता है, और लीनियर अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होते हैं। उसके बाद यहां पर हम लोग 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में एक ये अरेंजमेंट होगा और एक ये अरेंजमेंट होगा। यहां पर देखिए कि पूरे क्रिस्टल में एक जैसा अरेंजमेंट है, यहां भी स्क्वायर बन रहा है, यहां भी स्क्वायर बन रहा है, हर जगह स्क्वायर बन रहे हैं। मान लीजिए आप इसकी बात कर लें, ये इस तरीके से मैं अलग से बना करके दिखा दूं, तो आपको यहां पर कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो क्या हो गया यार, एक स्क्वायर बना क्या भाई, इसके सभी लेंथ आपस में बराबर है, लेंथ और ब्रेथ आपस में बराबर है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है सभी 90 डिग्री के एंगल है क्योंकि पैरेलल है, इसलिए इसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन यह 2 डायमेंशन में ही कहलाएगा, लेकिन यदि यही हम लोग यहां पर 3 डायमेंशन की बात करें तो फिर इसका नाम बदल जाएगा। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, आप खुद बता सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर हम इस पार्टिकल के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके डायरेक्ट टच में 1, 2, 3, 4 है, या मान लीजिए आप इसी के बारे में बात कर लें, नो प्रॉब्लम, 1, 2, 3 और 4, 4 पार्टिकल से ज्यादा कहीं भी इसके टच में नहीं है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के केस में यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, कब, जब स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है तब। लेकिन यदि हेक्सागोनल इन 2 डायमेंशन की बात हो रही है तो यहां पर 6 हो जाएंगे, जरा देख लीजिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके साथ इस बार डायरेक्ट 6 पार्टिकल्स टच में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा,
सिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात हम लोग यहां पर करते हैं कुछ वॉइड्स के बारे में। जब ये पार्टिकल्स आपस में अटैच्ड होंगे तो बीच में क्या होगा, खाली जगह दिखाई पड़ रहे हैं क्या, इसी खाली जगह को वॉइड कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, ये बीच में खाली जगह दिखाई पड़ रहे हैं, इस खाली जगह को क्या कहा जाएगा, वॉइड कहा जाएगा। या तो आप वॉइड कह सकते हैं या तो इंटरस्टिटियल साइट कह सकते हैं, या तो वॉइड कहेंगे या तो फिर इंटरस्टिटियल साइट कहेंगे। अब यहां पर थ्री डायमेंशन की बात कर लें। हाँ, एक बात और याद रखिएगा भाई, चलिए आगे मैं बात कर लूंगा। यहां पर यदि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें, चाहिए टू डायमेंशन में बात करें या थ्री डायमेंशन में बात करें, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है ए बी टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों अलग अलग है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इस बार ये थ्री डायमेंशन के बारे में बात करने जा रहा है। इसमें दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, पहले वॉइड्स मान लीजिए, वॉइड्स तो मैंने बताया, लेकिन अपने को जो यहां पर पढ़ना है दो तरह के वॉइड्स के बारे में पढ़ना है। कहा जा रहा है कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर वन ओवर टू अदर। एक होता है कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा होता है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहां पर आपको याद रखना है कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एचसीपी, यानी कि एचसीपी के लिए, हेक्सागोनल पैक्ड के लिए आपको ए बी अरेंजमेंट याद रखना है। और यदि कहीं पर एफसीसी आ जाए या सीसीपी आ जाए, क्यों भी क्लोज पैकिंग, तो इसके लिए आप यहां पर याद रखेंगे ए बी सी अरेंजमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि जो एचसीपी होता है इसमें तीन लेयर होते हैं, ए बी ए। चलिए मैं यहां पर आगे दिखाऊंगा, कहीं नजर आ गया तो तब आप सही समझ पाएंगे। इसमें वो नजर नहीं आ रहा है, चलिए वो नजर नहीं आ रहा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर ड्रॉ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यदि डिजिटल पेन होता तब तो आराम से मैं बता देता, लेकिन अपने पास डिजिटल पेन की सुविधा नहीं है और माउस से सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं होते, थोड़ा बुक से देख लीजिएगा। तो आपको यहां पर याद रखना है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी अरेंजमेंट होता है, और जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है या सीसीपी होता है इसमें ए बी सी अरेंजमेंट होता है। उसके बाद यहां पर बात करें जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये फोर स्फीयर के मिलने से बनता है। मैं कोशिश करता हूं कि शायद आपको मैं समझा सकूं, यदि समझा दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या। ये मान लीजिए कि अपने पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास कोई एक यूनिट सेल है, और यदि यूनिट सेल है और ये इसका बॉडी डायगोनल है, ये हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि ये कॉर्नर हो गया, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल इस फेस पर है, एक पार्टिकल इस फेस पर है और एक पार्टिकल इस फेस पर है, यानी कि ये जो रेड वाला देख रहे हैं वो ये वाला है,
जो रेड वाला देख रहे हैं, मैं रेड ले लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये जो रेड वाला सर्कल आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि यहां पर ये पार्टिकल है कॉर्नर पर, और ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं, तो मैं ऐसा ही ले लेता हूं, एक इस फेस के ऊपर ब्लू पार्टिकल है, एक इस फेस पर ब्लू पार्टिकल है और एक इस फेस पर ब्लू पार्टिकल है। तो इसकी वजह से बीच में खाली जगह बनेगा। इमेजिन कर लीजिए कि ये चारों पार्टिकल एक साथ, चार कांच की गोलियां हैं और ये चारों कांच की गोलियां एक दूसरे के टच में है, तो बीच में ये खाली जगह दिखाई पड़ेगा। वो खाली जगह इसमें कहां पर दिखाई पड़ेगा, इस बॉडी डायगोनल के ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो याद रहे कि टेट्राहेड्रल वॉइड का जो लोकेशन होता है वह बॉडी डायगोनल पर होता है, कोई डाउट? और यह कब बनते हैं, जब फेस के थ्री स्फीयर और कॉर्नर का एक स्फीयर एक दूसरे के टच में आता है। अब यदि हम यहां पर ऑक्टाहेड्रल की बात कर लें, ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, यह सिक्स स्फीयर्स के कारण बनते हैं। एक्चुअली 90% बच्चे कहते हैं सर जी ऑक्टा का तो मतलब एट होता है, तो यहां पर सिक्स क्यों बोल रहे हैं, आठ आपको बोलना चाहिए। भाई यहां पर ऑक्टाहेड्रल शेप का नाम है, न कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखकर के ऑक्टाहेड्रल बोला गया है, यह आपको खास याद रखने की जरूरत है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्टाहेड्रल वाइड के दो लोकेशन हैं, जैसे कि टेट्राहेड्रल वाइड का सिर्फ एक ही लोकेशन था बॉडी डायगोनल, मैं लिख देता हूं टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म्ड formed at body diagonal, ठीक है। लेकिन जो octahedral void होते हैं ये दो जगह बनते हैं, एक होता है बॉडी सेंटर पर बनते हैं बॉडी सेंटर पर बनते हैं, नंबर टू में एज सेंटर पर बनते हैं एट एज सेंटर, समझ जाइएगा, थोड़ी बहुत आपको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा मेरे साथ। अब मेरे पास इतने पैसा होता तो मैं पहले से एडवांस चीज ला करके रखता। यू मान लीजिए कि गरीब मास्टर के आप विद्यार्थी हैं, तो याद क्या रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर, ये दो जगह बनते हैं बॉडी सेंटर में और एज सेंटर में। अब बॉडी सेंटर कहां पर है भाई, यहां पर है, और एज सेंटर क्या हो गया, ये हो गया, जितने भी एज सेंटर होंगे उतने यहां पर बने, और ये सिक्स स्फीयर के कारण बनते हैं। जरा मैं बना करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं उस तरीके से यहां पर मेरे से सेटिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या करें, इसी में समझना होगा। मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, तीसरा पार्टिकल यहां पर है और चौथा पार्टिकल यहां पर है, पांचवा पार्टिकल ये है और छठा पार्टिकल ये हो गया,
यानी कि ये जो देख रहे हैं एक आगे है और एक पीछे है। अब इमेजिन कीजिए कि ये छह के छह एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, ये इसके कॉन्टैक्ट में, ये इसके कॉन्टैक्ट में और ये इसके कॉन्टैक्ट में। ये दिखने में कैसा लग रहा है? कुछ इस तरीके का दिखने में लग रहा है। कुछ इस तरीके का दिखने में लग रहा है। और इसको नीचे से इधर मिला दीजिए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, बीच में ये जगह क्या होगा, वो खाली नजर आएगा। यदि ये सभी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के टच में आएंगे तो ये जगह क्या नजर आएगा, खाली नजर आएगा। और इसी को कहा जाता है बॉडी सेंटर। समझ में आ गया? और इसकी टोटल संख्या n होगी और टेट्राहेड्रल की संख्या इससे डबल होते हैं, इसलिए उसको 2n कहा जाता है। अब यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी को पढ़ने से पहले पैकिंग फ्रैक्शन की बात करना जरूरी है। और पैकिंग फ्रैक्शन को समझने से पहले यहां पर आपको याद रखना होगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर। मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग समझ लीजिए, आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने सिंपल यूनिट सेल पढ़ा था, एफसीसी पढ़ा था, बीसीसी पढ़ा था, जो सिंपल यूनिट सेल था जैसे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कहे, पर यूनिट सेल वन एटम हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जबकि बीसीसी में टू एटॉम्स पर यूनिट सेल, एफसीसी में फोर एटॉम्स पर यूनिट सेल, इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो यहां पर क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय ए स्फीयर, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय ए स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मान लीजिए कि एक कमरा है, वो आपका यूनिट सेल है, तो इस कमरे का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, उस कमरे का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और यह हो गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो उस कमरे का वॉल्यूम है, वह उस कमरे का जो वॉल्यूम है उसको आप मान लीजिए यूनिट ऑफ, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब उस कमरे में आप दो दोस्त बैठे हुए हैं, तो आपने उस कमरे के कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, तो आपने जितना ऑक्यूपाई किया वॉल्यूम उस कमरे का, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से। यह कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। और इस पैकिंग फ्रैक्शन को यदि आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही बात आपको परसेंटेज में मिलेगा, जिसे कि कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहां पर आप देख करके कॉपी कर लेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि यहां पर सिंपल यूनिट सेल के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहां पर वॉल्यूम ऑफ वन एटम लिखा गया। यदि एफसीसी के लिए बात करें तो यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टू एटम्स, बीसीसी में टू एटम्स, एफसीसी में फोर एटम्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करा रहा हूं,
यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं लिंक आपको पहले भी भेज दिया हूं, दोबारा भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ये रिलेशन जरूर याद रखिएगा, एक टेबल के रूप में मैं आपको वो रिलेशन दे रहा हूं, इस टेबल को आप लर्न कर लें कि यदि आपके पास सिंपल यूनिट सेल है यानी कि सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू 1 हो गया और यहां पर रिलेशन 2R इक्वल A, यह A इक्वल टू 2R याद रखें, बीसीसी में जेड का वैल्यू 2 होगा और यहां पर 2R इक्वल टू रूट 3A बाय 2 या R इक्वल टू रूट 3A बाय 4 और एफसीसी या सीसीपी के लिए जेड का वैल्यू 4 होगा और यहां पर ये रिलेशन आपको दिया गया है R इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं, अब यहां पर बात करेंगे हम लोग डेंसिटी का। डेंसिटी के लिए डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद रखें, मैं आपको जब न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय ये समझ में आ जाएगा। सिंपली आपको यहां पर जो याद रखना है ये फॉर्मूला और कोई नहीं, जो इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, रो का मतलब यहां पर डेंसिटी है, जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एम का मतलब मोलर मास, जिस सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं उसका मोलर मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास, एन नॉट इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10^23 इसका मतलब ये होता है एन नॉट का मतलब, और ए क्यूब वो आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, जेड से आपको क्या पता लग जाएगा, जेड से पता लगेगा कि यह एफसीसी है बीसीसी है, यदि मान लीजिए कि जेड यदि आपको दे दिया एफसीसी मतलब जेड इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर ले, उसके बाद हम लोग यहां पर बात करते हैं टी फैक्टर। ये थोड़ा सा लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो गया, तो इसके बाद आधे घंटे में और लेक्चर बनाऊंगा, थोड़ा मैं ब्रेक देकर के, पहले एक लेक्चर मैंने आपको करीब 45 मिनट्स के बनाए थे, ये लगभग 30 मिनट्स का मैं बना रहा हूँ और फिर आधे घंटे का बनाऊंगा, 2 घंटे के अंदर आपका सॉलिड यूनिट कंप्लीट, बस करते कि आप पढ़ने वाले बने। और यदि होली चाइल्ड और गुरु नानक के जो भी बच्चे हैं वो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही, जिन्होंने एक बार सब्सक्राइब कर दिया वो दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन यदि नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और आपको अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा वो आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपके जो किसी और स्कूल के यार दोस्त होंगे यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।